पर हम पहले इसकी ये फोटो देखते हैं कितनी प्यारी फोटो है और अट्रैक्टिव फोटो है इसकी ये दो आंखें देख रहे हैं गोल गोल शाइनी आईज और इसका ये छोटा सा नोज आपको ये स्पीस बहुत ही अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ हाँ ये छोटा सा जानवर होता है बहुत प्यारा जानवर है ये और आइये हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो सलंदर लोरिस है जो ये इसको सलंदर लोरिस कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है लोरिस लोरिस और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये लोरिस साइड से बिलोंग करता है इसकी क्लास क्या है मेमलिया मेमलिया कौन से होते हैं जानवर वो वाले जानवर होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी को और मोस्टली मैमिले वो वाले जानवर होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं ओके okay, तो हम इसके किंगडम की बात कर ले कौन से किंगडम से आता है ये किंगडम से आता है अनिमीलिया किंगडम कौन से होते हैं ब्रदर एनिमिलियन किंगडम वो होते हैं जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं ओके <laughs> okay, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं वो तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये साउथर्न इंडियन पार्ट में पाए जाते हैं यानी कि केरला साइड में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं और श्रीलंका आई नो श्रीलंका इज नॉट अ ऑफ इंडिया इट्स आ डिफ़रेंट कंट्री बरादर ओके नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स डाइट क्या खाता है ओके okay, तो ये कुछ नहीं खाता ज़्यादा पेड़ पत्तियाँ ये सब खाता है ये जैसे कि यहाँ पे लीव्स हो गया शूट्स हो गए फ्लावर हो गया फ्रूट हो गया ये इसका डाइट प्लान है ब्रजर ओके okay, नाउ हम इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करेंगे लाइक तो ये क्या कर कितने साल तक जीता है ये सोलह साल तक जीता है अगर ये इतने अच्छे एनवायरमेंट में रहे जहाँ इसे एनिमी इसके बहुत ही कम हो तो ये ट्वेंटी सिक्स ईयर्स तक जी सकता है ब्राज़र। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैंने क्या बोला है इसकी क्यूटनेस बरसती है इसके चेहरे पे पर आपको जान के हैरानी होगी कि जो ये जानवर है ये एक वेनम एनिमल है वेनम एनिमल कौन से होते हैं जो पॉइजन कैरी करते हैं ब्रज़र पोइजन यानी कि जहरीले इसका जो जहर होता है वो एक कोबरा के जहर के जितना होता है तो अच्छा ही होगा आप इससे काफ़ी दूर रहें इसकी अट्रैक्टिवनेस आपको अट्रैक्टिव करेगी अपनी और ओके ब्रज़र नेक्स्ट हम इस के बारे में बात करेंगे हमारी नेक्स्ट स्पीशीज है इंडियन जाइंट स्क्वेरल जैसे कि आप देख रहे हो इस फोटो में ब्रजर ये मेरी जितनी बीता हूँ ये मेरे से थोड़ी सी छोटी है हाँ, मेरी फाइव एट हाइट है ओके okay, चलो इट्स ओके आई एम सॉरी ब्रदर आई एम जस्ट किडिंग ब्रदर इ माई हाइट इज फाइव नाइन ओके लेट्स मूव ओके ये इंडियन जॉइंट वाला बाइसन इसको बाइसन स्क्वारल भी कहते हैं ओके okay, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है इसको इंडियन जाइंट स्क्रल कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम क्या है रतुफा इंडिका इंडिका यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में पाई जाती है गिवा ओनली साइंटिफिक नेम ये कौन से किंगडम से बिलोंग करती है ये मिलिय किंगडम से बिलोंग करती है जैसा कि मैंने पिछले स्पीशीज़ में बताया एनिमल किंगडम कौन से होते हैं जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्लास क्या होती है इसकी सिक्स क्लास होती है आई I mean, मीन मजाक कर रहा हूँ ब्राजर एनिमी ये मेमिलिया क्लास से बिलोंग करते हैं जो बच्चों है, को दूध पिलाते हैं अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं नेक्स्ट कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है स्क्वाइड से बिलोंग करती है स्क्वाइड ओके आई मीन आई होप आई एम राइट ओके ब्रदर नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं ओके okay. ये अगेन ये साउथन पार्ट में पाई जाती है इंडिया के केरला साइड में और श्रीलंका में जैसे कि मैंने बताया श्रीलंका इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया इट्स डिफरेंट कंट्री बाजार ओके नेक्स्ट इसकी डाइट के बारे में बात करते हैं ये क्या खाती है ओके ये फ्लावर खाती है ये फ्रूट्स खाती है नट्स खाती है ट्री ड्रंक्स खाती है ये ओके नाउ वी टॉकिंग अबाउट इट्स लाइफ एक्सपेक्टेसी सोलह साल तक रहती है ये भी जॉन्ट स्क्वायरल और ये वैनम नहीं होती ओके okay, बस इसकी खासियत ये है कि ये छोटी ग्रहली से जो छोटी गलहरियाँ होती हैं हमारे यहाँ उससे काफ़ी बड़ी होती है ओके ब्रदर आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ब्रदर कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई चैनल ओके ब्रदर लाइक का बटन दबा दो और घंटे का बटन भी दबा दो ब्रजर फॉर नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू हैव नाइस डे अजर